जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज दोस्तों आपको एक जना मज़े का सीन जी मैं दिखाता हूँ। ये मेरा बच्चा जी आके बैठ रहा है, आज न्यू मैंने जाना 15 नंबर, छोटा बच्चा दोस्तों, छोटा था और माशाल्लाह 1 घंटा लगा के आ रहा है, क्योंकि ये वीक था, पलवाई नहीं थी इसकी सही हुई। तो आज मैंने इनको छोड़ा था वो बच्चों को बाहर जो मतलब उड़ नहीं रहे थे। तो बाकी ये नीचे बैठा हुआ है बंदा और ऊपर को ना सोटियाँ मार रहा है कबूतरों को, मतलब नीचे से कभी कागज़ उठा के मार दिया कबूतरों को छेड़ करवाने के लिए, कभी नीचे से कोई सोटी मार दी, ठीक है इस तरह कर रहा है जी। और मैं देख रहा हूँ कि यार ये क्या काम हो रहा है। चलो यार सब भाइयों के साथ भी शेयर कर दीजिए। देखिए पीछे से हो गया बच्चा दोबारा से आ रहा है ना, ये देखें तो ये देखे नीचे से ना सोटियाँ मारता है उनको, मतलब छोटी छोटी ना स्टिक कोई मारता है। ये देखे बच्चा माशाल्लाह से बैठ रहा है और ये देखें जी। बाकी बच्चा जी उधर कोई जा रहा है तो खैर बच्चे को मैं तो कहता हूँ थोड़ा आसान भी शेयर करवाते हैं। वो देखे नीचे से ना वो मारता है। लें जी मैंने तो छेड़ करवा दी है, अब बच्चा बैठ जाएगा अपनी छत पर इंशाल्लाह। बाकी दोस्तों नज़र आ गया जी, इस तरह होता है। ये देखे बहरहाल दोस्तों बच्चे को मैं जी बिठाता हूँ, मज़ा तो बहुत आता है इस तरह से जब करते हैं ना, तो बाकी तंग भी करते हैं तो वो तो किस्मत में बात होती है जी, जो होती है। बाकी न्यू बच्चा है ना तो अभी मैंने न्यू छोड़ा हुआ है ऊपर, तो ये देखें आ गया, बस आ गया बच्चा। ये देखें ये दोस्तों माशाल्लाह से बच्चा हमारा बैठ गया जी। 15 नंबर ही छोटा बच्चा था, इसकी पलवाई नहीं थी दोस्तों सही हुई। तो आज जो है ना उन कबूतरों को मैंने बाहर बच्चों को छोड़ा 4-5 को, जो जिनकी ग्रोथ नहीं सही हुई थी, जो उड़ नहीं रहे थे, ठीक है उनको बाहर छोड़ा था हमने। तो बाकी दोस्तों आपने देखा जिस तरह से जी ये इस बंदे का काम है, ठीक है इस तरह करता है जी। बहरहाल कोई नहीं, मैं मतलब खुश होता हूँ, इंजॉय करता हूँ, साथ में सब भाइयों को करवाता हूँ। देखें जो चीज़ असली नस्ली होगी वो आ जाएगी अपने आप ही। बाकी ये है कि बच्चों को थोड़ा सा ना वो करना पड़ता है, ठीक है अगर छेड़ छूड़ करवा के बिठा लिया जाए बच्चों को तो अच्छा होता है, ठीक है इसलिए मैंने जाना छेड़ करवा के बिठा लिया बच्चे को। न्यू थे ना आज, न्यू मैं छोड़े हैं मैंने, क्योंकि आज बड़े कबूतर नहीं दोस्तों बाहर निकाले, बड़े कबूतर जब उठ जाते हैं ना तो वो बच्चों को हाइट में ले जाते हैं, बच्चे फिर जाना अपसेट हो जाते हैं, फिर बैठने में उनको जाना वो तकलीफ होती है, मतलब साइडों में ज़्यादा जाते हैं बच्चे, ठीक है। तो आप भी अपनी राय दीजिएगा कि आपके इलाके में ऐसे होता है जैसे ये मतलब हमारे पास हो रहा है। तो बहरहाल ठीक है दोस्तों, मिलते हैं ना स्टूडियो में, अपने भाई को दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।